जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सो, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। सो, स्टार्ट करते हैं आज के रीजनिंग के सेकंड सेशन को, जिसमें हम डायरेक्शन के चैप्टर को कवर करेंगे। सो, देखिए, बेसिक वाला पोर्शन जो था वो आपको कवर कर दिया है। आई होप आपको वो अंडरस्टैंड हुआ है। सो, नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। तो साथ साथ में आप इसका जो पैटर्न है उसको आप ड्रॉ कीजिए, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो रोहिणी जो है वो 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, ठीक है जी। एक मैंने पॉइंट ले लिया, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब रोहिणी ने क्या किया, उत्तर की ओर गई, ऊपर की ओर गई, ये कितना गई, 10 किलोमीटर गई। फिर दाईं ओर मुड़ी, यानी कि राइट साइड मुड़ती है वो। अब राइट साइड तो मुड़ गई, अब कितना गई ये, राइट साइड मुड़ी और कितना गई, 10 किलोमीटर गई, ठीक है जी, 10 किलोमीटर चली गई, यह आपको बताया है। फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ गई, बाईं यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ी, ठीक है जी, इस तरफ मुड़ेगी और कितना गई ये, 10 किलोमीटर गई, ठीक है जी, 10 किलोमीटर आ गया। आगे क्या बोला गया, फिर से दाईं ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर गई, दाईं यानी कि राइट। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, एक डायग्राम ज़रूर आप बना के चलें, जिसमें आप डायरेक्शन को लिखें और नीचे जो है वो आर का मतलब यानी कि राइट, जिसको आप लिख लें दायां, और लेफ्ट यानी कि बायां, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न जो है वो ना हो सके। तो दाईं ओर मुड़ के कितना गई है वो गई है 10 किलोमीटर गई है, ठीक है जी। आगे क्या बोला गया, अब क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि यहां से वो चली थी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो ये कितनी दूरी पर है। तो दूरी जब भी बताई जाती है, ऐसे नहीं है कि आपको ये सारे के सारे जितनी जितनी बार वो गई है, 10, फिर 20, फिर 30 और 40, आपको कैलकुलेट करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं किया जाता है। आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपको डायरेक्शन, जो भी डिस्टेंस या डायरेक्शन है, वो एक इक्वल पैटर्न में जो है आपको शो करना पड़ता है। तो ये जो मैंने ब्लू कलर की एक लाइन बनाई है, स्ट्रेट डायरेक्शन, ये जो है वो आपके डिस्टेंस को क्या करेगी, शो करेगी। तो जब भी आप डिस्टेंस को शो करेंगे तो डायरेक्ट तो आप निकाल नहीं सकते। इसके दो पैटर्न हैं, ये पहली ट्राइंगल बनी, ये दूसरी ट्राइंगल बनी। तो या तो एक एक ट्राइंगल का आप क्या कर लीजिए, ये हाइपरटेन्यूज जो है उसको आप निकाल लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, एक इकट्ठी ही ट्राइंगल बना लीजिए। इकट्ठी किस तरीके से बनेगी, इस लाइन को आप ऊपर की तरफ थोड़ा सा पास करेंगे और इसको इस तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखिए डिस्टेंस, ये वाला यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, 20 बनेगा, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना बनेगा, 20 बनेगा। और ये वाली चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला लगाया, एच का स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर, यानी कि 20 स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर, बेस का स्क्वेयर, बेस भी कितना है, 20 का स्क्वेयर है। एच स्क्वेयर की वैल्यू, 20 का स्क्वेयर 400 और अगले 20 का स्क्वेयर भी 400, एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई। अब आपको इस चीज़ को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो 800 किस में आपका टूट जाएगा, अब 800 जो है वो कौन सी वैल्यू में आपका टूटेगा, वो आपको पता होना चाहिए। सो देखिए, 800 जो है वो आपको 400 में तोड़ना पड़ेगा, 400 गुणा 2 करके, ठीक है। अब 400 का अंडर रूट कितना होता है, 20, और 2 तो एज इट इज रह जाएगा, यानी कि 20 अंडर रूट 2, ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर आपसे दिशा पूछी जाती तो दिशा आपको अब कैसे कैलकुलेट करनी थी, तो दिशा के लिए आप क्या करेंगे, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे टेबल आपने ड्रॉ करना है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन और ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए लाइन किसके बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो दिशा कौन सी बननी थी, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा जो थी वो आपकी यहाँ पर बननी थी, अगर आपसे दिशा पूछी होती तो। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ये पहली क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवाया है इस तरीके से, एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। तो ठीक है जी, आपने एक पॉइंट ले लिया, वहां से वो जो दो पर्सन है वो चलना शुरू करते हैं, एक्स और वाई। एक्स जो है वो पश्चिम की ओर गया 17 मीटर, ठीक है जी, ये वेस्ट की दिशा में गया, कितना, 17 मीटर चला गया, ठीक है। आगे है,
वो अपने राइट साइड मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ा और 13 मीटर तक गया, ठीक है, राइट यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा और कितना गया वो 13 मीटर गया। उसी समय बाय उत्तर की ओर जाता है, 9 मीटर चलता है, बाय तो यहीं पे खड़ा, वो इसी पोजीशन पे खड़ा, उत्तर की तरफ गया, कितना गया 9 किलोमीटर। अब 13 से थोड़ा सा आपने नीचे रखना उसको, ठीक है, डिस्टेंस के लिए, वो थोड़ा सा आप ध्यान दें। पूरब की ओर जाता है, फिर वो पूरब की ओर जाता है, कितना जाता है 7 मीटर जाता है, इस दिशा में गया पूरब, पूरब कौन सी दिशा हुई, ये वाली दिशा हुई, ठीक है जी, कितना गया 7 मीटर चला गया। फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर जाता है, अब बाईं ओर जाएगा, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ गया, वो कितना जाएगा 4 जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अब आप ध्यान में ये रखेंगे कि अगर ये डिस्टेंस आपका कितना है 13 है, तो यहाँ तक भी जो आपका डिस्टेंस है वो 13 ही बनना चाहिए, 9 तो वो पहले ही जा चुका है, 9 के आगे जो कितना जाएगा वो, 9 के आगे वो जाएगा 4, तब जाके ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, 13 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब वो सिर्फ यहीं तक जाएगा। ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से जाएगा, यहाँ तक जाएगा 4, तब जाके क्या होगा ये वाला डिस्टेंस इसका क्या होगा, बराबर होगा। उसके बाद बोला x की स्थिति में अब वो कहाँ पर है, तो देखिए x तो यहाँ पर खड़ा था, y यहाँ पर हो गया, x से अब आप बताइए x x से कौन सी दिशा में है, x से अब आप देखिए कौन सी दिशा है ये, x से बाय की तरफ देखिए कौन सी दिशा है, तो ये बन रही है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा वाला ऑप्शन कौन सा है, बी और डी, ठीक है जी। अब आपको बोला गया डिस्टेंस आपको बताना है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो भी आप थोड़ा सा देखिए, एक्स से चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखिए 17 तो ये आ गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7, तो यानी कि 17 + 7 तो कितना बन गया 24 मीटर, तो यानी कि ऑप्शन डी 24 मीटर पूर्व क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कोई हाइकर है यानी कि पर्सन है, कोई भी एक आदमी है, वो दक्षिण की ओर जाता है 2 किलोमीटर गया, ठीक है जी, एक पॉइंट आप ले लीजिए, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, यहां से साउथ की दिशा में गया, दक्षिण दिशा में कितना 2 किलोमीटर, ठीक है जी। फिर वो पश्चिम की दिशा में मुड़ गया यानी कि वेस्ट दिशा में मुड़ा, ठीक है जी, मोड़ दिया मैंने, कितना गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पहुंचा दिया। फिर वो उत्तर की तरफ गया और कितना गया 5 किलोमीटर गया। अब उत्तर की तरफ जब वो जाएगा तो ध्यान दीजिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो तो कितना है 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, अब जाना कितना है 5, यानी कि और कितना जाएगा 3 जाएगा, तो टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया 5, इस तरीके से आपको ये लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद वो अपनी राइट साइड मुड़ा और कितना गया 4 किलोमीटर गया, ऐसे नहीं करना कि यहां से यहां तक पहुंचा दिए 4 किलोमीटर, नहीं, नीचे वाली चीज को भी आप ध्यान में देखिए, नीचे यहां से लेके यहां तक ही 4 है, तो यहां से लेके भी यहीं तक डिस्टेंस कितना होगा 4 होगा, तो वो चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है, यहां तक वो क्या हो गया खड़ा हो गया, ठीक है। अब शुरुआती स्थिति से अब वो कहां पर है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से देखिए एंडिंग पे कौन सी दिशा बन रही, ऊपर की तरफ बना, यानी कि दिशा कौन सी बनी, उत्तर दिशा, तो या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन बी आएगा। अब चेक करना है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस देखिए स्टार्टिंग से ये वाली चीज आपको बतानी है यहां से लेके यहां तक, तो देखिए ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है 2, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी कितना होगा 2 होगा। अब टोटल था कितना, टोटल था ये 5, तो 5 में से 2 चला गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा 3 बचा, तो 3 किलोमीटर उत्तर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा फास्ट है, मेरे से जो है वो थोड़ा सा फास्ट करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको आंसर चेक करना है, मेरे से पहले आपका आंसर आना चाहिए और उसके बाद आप खुद को चेक करें कि जो मैंने आंसर बताया है क्या वो आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। उसके बाद है, एक कोई आदमी है अपने काम पर जाता है, ठीक है, और उत्तर की ओर जाता है 2 किलोमीटर, ठीक है जी, यहां से चला वो ऊपर की तरफ गया, कितना गया 2 किलोमीटर, फिर पश्चिम की दिशा में गया 6 किलोमीटर गया, पश्चिम यानी कि वेस्ट डायरेक्शन, इस तरफ चला गया 6 किलोमीटर, फिर
उत्तर की तरफ गया 7 किलोमीटर, या उत्तर यानी कि नॉर्थ की दिशा में 7 किलोमीटर चला गया। फिर वह राइट साइड मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। अब राइट साइड मोड़ेंगे तो देखिए नीचे वाला डिस्टेंस भी 6 है, तो जहां तक 6 से वो चला था वहीं से आपको चलाना है और यहाँ पे वो खड़ा हो जाएगा। अब शुरुआती स्थिति के संदर्भ में अब वो कहाँ पे है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। तो बोला है स्टार्टिंग से देखना, आपने स्टार्टिंग से देखिए कौन सी दिशा बन रही है, स्टार्टिंग से कौन सी दिशा बन रही है, वो बन रही है नॉर्थ दिशा यानी कि उत्तर दिशा बन रही है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मैं कलर चेंज कर लेता एक बार फिर से, डिस्टेंस देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 आ गया। अब यहां से यहां तक का बताना है तो ये कितना है 7, तो सामने वाला भी 7, 7 और 2 9, 9 किलोमीटर उत्तर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा होता कि आप जो है वो अंतिम बिंदु से बताइए, तो देखिए अंतिम बिंदु ये है और स्टार्टिंग बिंदु ये है, तो जब अंतिम बिंदु से बताना है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ बननी थी, तो आंसर आपके पास क्या आना था, साउथ आना था। ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मनोज उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया और फिर दाएं ओर मुड़के फिर से 12 किलोमीटर गया। ठीक है जी, क्वेश्चन को ड्रॉ कीजिए। उत्तर की ओर गया वो, ठीक है जी, यहां से चला उत्तर की ओर, कितना गया 12 मीटर। फिर राइट साइड मुड़ा, कितना गया 12 मीटर गया, ठीक है जी। फिर राइट साइड मुड़ के 7 मीटर चला गया, राइट साइड मुड़ा और कितना गया 7 चला गया। फिर बोला गया कि 7 मीटर चलकर जो है वो महाविद्यालय आर पर पहुंचता है वो, ठीक है जी, 7 किलोमीटर चलकर विद्यालय आर पर पहुंचता है, ठीक है, आर पर पहुंच गया। एक मिनट, यहां पर आर पर पहुंचता है, यहां पर एक गलती क्या हुई वो थोड़ा सा ध्यान दें। आपको बोला था दाई ओर, दाई का मतलब है राइट, तो राइट जब मैं इस दिशा में खड़ा होऊंगा तो राइट नीचे की तरफ आएगा। इसको एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से गया वो, सॉरी लाइन जो है वो ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट, 12 मीटर गया ऊपर की तरफ, फिर 12 मीटर गया राइट की तरफ, उसके बाद फिर से राइट गया है, उसके बाद फिर से क्या गया है राइट गया है, यहां पर गया वो यहां पर आर, और यहां पे उसका क्या है स्कूल है 7 किलोमीटर। अब बोला गया कि वो फिर से बाईं ओर मुड़ा और 12 मीटर गया। अब बाईं ओर यानी कि इस दिशा में जाएगा और 12 मीटर तक जाएगा, यहां पर वो खड़ा हो गया, इस पोजिशन में वो खड़ा हो गया। मैं यहां पर इसको जो है वो ए नाम से, ए जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, यहां पर वो खड़ा हो गया, ठीक है। अब बोला गया कि आरंभिक बिंदु से महाविद्यालय आर के बीच अगर लाइन खींची जाती है तो दूरी आपको बतानी है, यानी कि इस ए पॉइंट से आर तक की अगर एक लाइन खींचेगी तो आपको ये डिस्टेंस जो है वो बताना है, एक्स की वैल्यू यहां से बतानी है। तो आप देखिए यहां पर क्या बन गया, एक क्या बन गई, ये ट्राइंगल बन गई। तो आपको यहाँ पे फिर क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी। अब देखिए ये डिस्टेंस तो है आपके पास 12, ठीक है जी, परपेंडिकुलर या बेस आप ले लीजिए 12 का स्क्वेयर, लेकिन ये डिस्टेंस 12 नहीं है, ये टोटल 12 है आपके पास, ये टोटल 12 है। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है 7, तो नीचे वाला डिस्टेंस कितना बचा फिर 7, और कितने 12, 7 और 5 12, तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 5, तो यानी कि 5 का स्क्वायर बनेगा। एच स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 25 169, एच स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा उस तरफ, और 169 किसका 13 का स्क्वायर, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 13 मीटर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा।
सो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन, कोई भी डाउट जो है वो इस क्वेश्चन में नहीं रहना चाहिए। अगला बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से कीजिए इस क्वेश्चन को। बोला गया है एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है जी, पॉइंट ले लिया मैंने, पूर्व की ओर गया वो इस दिशा में 9 किलोमीटर, 12 किलोमीटर फिर कहाँ चला गया, दक्षिण की तरफ चला गया। तो आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी, यानी कि फिर से क्या बनेगी, पाइथागोरस लगेगी। तो एच स्क्वेयर टेढ़ी वाली लाइन जो होती है वो क्या होता है, एच होता है। तो एच स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाया, पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी की वैल्यू आप ले लीजिए 12 का स्क्वेयर, बी की वैल्यू ले लीजिए 9 का स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर 144, 9 का स्क्वेयर 81, एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 144 और 81 225, और 225 किसका स्क्वेयर होता है, ये होता है 15 का स्क्वेयर। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी कि डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है जी। क्या बोला गया आपको, एक कोई आदमी है यहां से, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, किस दिशा में चला, पूर्व की दिशा में, यानी कि ईस्ट दिशा में चला, ईस्ट दिशा में चला कितना गया 5 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ा यानी कि राइट, अगर आपका फेस इस एरो की दिशा में है तो आपका राइट हैंड नीचे की तरफ आएगा, कितना गया 3 किलोमीटर गया, पुनः दाएं मुड़कर फिर चलता है, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ा, अब दाएं किस तरफ है, इस तरफ है, अब दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। अब ये नहीं बोला गया कि कहाँ तक जाता है या कहाँ पे रुकता है या कितने किलोमीटर जाता है, बोलता है चलता ही गया। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा, अब देखिए एरो किस दिशा में है, एरो कौन सी दिशा है, निशान लगाइए, अगर आपको एरो का पता नहीं चलता तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर वो जो स्ट्रक्चर है उसको आप ड्रॉ कीजिए, देखिए ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए एरो कौन सी दिशा में है, वेस्ट दिशा में, यानी कि वेस्ट दिशा कौन सी होती है, वेस्ट होती है पश्चिम दिशा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी से, क्या आंसर आएगा बताइए। प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है जी, पॉइंट ले लिया, ऊपर की तरफ चला गया 10 किलोमीटर, फिर क्या बोला, पश्चिम में मुड़ा 10 किलोमीटर गया, पश्चिम कौन सी दिशा, ये वाली दिशा, ठीक है जी, कितना गया 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण में मुड़ा 5 किलोमीटर गया, दक्षिण में मुड़ा 5 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर पूर्व की ओर मुड़ा 10 किलोमीटर गया, पूर्व की ओर यहाँ से यहाँ मुड़ा और कितना गया 10 किलोमीटर। अब स्टार्टिंग का पॉइंट आपको पता चल गया, स्टार्टिंग का पॉइंट कौन सा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, ये वाला, ये इसका एंडिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अब बोला आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है। तो देखिए अगर मैं आपसे ये पूछूं किस दिशा को देख रहा है, दिशा तो है ये वाली, कौन सी दिशा को देख रहा है, ईस्ट की दिशा को, पूर्व की दिशा को देख रहा है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से देखिए किस दिशा में आएगा, नॉर्थ दिशा में आएगा, यानी कि उत्तर दिशा में आएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला अंतिम क्वेश्चन आज की इस क्लास का रहेगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट करके आपने मेरे को बताना है कि क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, आपका जो आंसर है वो आपका 2 किलोमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। सो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो होमवर्क रहेगा, जो भी पेड क्लासेस में जुड़े हैं उनको पता है कि हमारा जो क्लासेस में होमवर्क का भी एक सेशन जो है वो लगाया जाता है, साथ में वीकली जो है वो एक जूम क्लासेस के ऊपर आपका डाउट सेशन भी एक लगाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, अगर फिर भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चल रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड नहीं पता चल रहा है, तो जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें आपका ये क्वेश्चन जो है वो कवर
कर दिया जाएगा, लेकिन उतने टाइम तक खुद आप ट्राई करें, 2 किलोमीटर आपका आंसर जो है वो आना चाहिए ऑप्शन ए। जल्दी ही नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी रिवीजन करते रहें, एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। जल्दी ही मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।